आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा, तो वहीं जन समर्पण सेवा संस्था भी अपनी सहभागिता निभाते हुए 4 दिव्यांगजनों को बैशाखी वितरित कर उन्हें इस अमृत उत्सव में हिस्सा बनने प्रेरित करता नजर आया। इस वर्ष आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग भी इस अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाते हुए शहर के मुख्य चौक चौराहों पर कमर के बल से घिस घिस कर चलने वाले 4 दिव्यांगजनों को निःशुल्क बैसाखी वितरण किया। बैसाखी पाकर ये दिव्यांगजन भी शहर में होने वाले अमृत महोत्सव देख पाएंगे। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बताया कि निशक्त जन हमारे समाज का अंग ही है, उनके कल्याण एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। जरूरतमंद निशक्त जनों को इन उपकरणों द्वारा अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता मिल सकेगी। दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है, वे समाज के ही अभिन्न अंग हैं। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर शहर के निशक्त जनों को बैसाखी वितरित की गई। गरीब असहाय विकलांगों गौ माता की सेवा से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है, ये नारा है जन समर्पण सेवा संस्था का। इस अवसर पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। आज क्या मिला है आपको? बैसाखी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और क्या मिलता है यहाँ पर आपको? रोज रोज का खाना मिलता है। रोज मिल रहा है आपको खाना? कितने दिन हो गया आपको बैसाखी के लिए बोले? अभी 2 दिन। 2 दिन में आपको बैसाखी उपलब्ध हो गई? क्या नाम है भैया आपका? राहुल थापर। हैं? राहुल थापर। कहाँ रहते हो? रायपुर। आज क्या मिला है आपको? बैसाखी। कैसा लग रहा है बैसाखी? कहाँ पे स्टेशन में कहाँ पे रहते हो आप? और चलते हो घिसड़ घिसड़ के? आज बैसाखी मिली, कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है। कब बोले थे आप बैसाखी के लिए? मैं अभी तक नहीं बोला सर, आज पहली बार आप बिना बोले आपको बैसाखी आज मिल गई। ये जन समर्पण सेवा संस्था जो आज बैसाखी दी, इसको लेके अब आप क्या करोगे? चलोगे इससे? जन समर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 5 वर्ष 7 माह से प्रतिदिन जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण कराते आ रही है और विकलांगजनों की सहायता के लिए उन्हें ट्राइसिकल, व्हीलचेयर और बैसाखी वितरण करती है। दुर्ग रेलवे स्टेशन में हम सभी खाना खिला रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन में बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे आते हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, घिसड़ घिसड़ कर भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी परेशानी को देखकर जन समर्पण सेवा संस्था लगातार लोगों को उनकी जरूरत की सामग्री वितरण कर रही है। आज हम लोगों ने 4 विकलांगजनों को बैसाखी वितरण करे हैं जो कि रेलवे स्टेशन के अंदर या रेलवे स्टेशन के बाहर शहर के अन्य क्षेत्रों में घिसड़ घिसड़ के चलते हैं। अब इन्हें बैसाखी वितरण किया गया है। बैसाखी के सहारे ये आज़ादी का 75वां वार्षिक उत्सव और ध्वजारोहण का कार्यक्रम देख सकेंगे और आगे हम इसी तरह मानव सेवा का कार्य करते रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।